यानी कि इस सरकार का पहला बजट सत्र गैरसैंण में होगा। जब तक हम अपने पहाड़ों को बचा के नहीं रखेंगे, उत्तराखंड कहां से बचेगा? 14 तारीख को बजट सत्र का देहरादून में होना ये जाहिर करता है कि इस सरकार ने अब अपनी प्राथमिकता से गैरसैंण और हराशैंण को बिल्कुल हटा दिया है। सरकार गैरसैंण से पीछा नहीं छुटा सकती। भारी भरकम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया गया है। ऐसे में अगर आने वाले समय में गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित नहीं किया जाता तो एक और उग्र आंदोलन जन्म ले सकता है। मैं गैरसैंण बोल रहा हूं। विडंबना देखिए, 21 साल बाद भी मेरा भविष्य अधर में है। अब मैं राजनीति का सबसे गर्म मुद्दा बन जाऊंगा। क्या सत्ता वाले, क्या विपक्ष वाले, सब मेरे नाम से अपनी सियासी रोटियां सेकेंगे, लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मेरा भविष्य कहां है। मुझे लेकर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मुझे ही राजधानी क्यों बनाना चाहिए। दरअसल राजधानी को ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासतों तथा भौतिक संसाधनों से भरपूर होना चाहिए। इन मानकों पर प्रदेश के किसी भी अन्य स्थान की तुलना में मैं कहीं बेहतर फिट बैठता हूं। मुझे राजनीति का फुटबॉल नहीं बनना, मैं जनभावनाओं का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु हूं। पृथक राज्य के लिए उत्तराखंडियों ने जो संघर्ष किया उसकी मूल भावना भी मैं ही था। मैं अंदर ही अंदर घुटता हूं। मेरा नाम हर किसी की जुबा पर होता है, लेकिन सियासी दलों ने कभी कमेटियों के खेल में उलझा कर रखा। लंबी राजनीतिक जद्दोजहद के बाद गैरसैंण भरारी से ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। लेकिन मेरा अंजाम क्या होगा मैं खुद नहीं जानता। मैं कल भी हाशिए पर था, मैं आज भी हाशिए पर हूं। मैं गैरसैंण बोल रहा हूं।